बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सो रीड करते हैं क्वेश्चन को, एंड आई एम होपिंग दैट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बिफोर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, सो ट्रस्ट मी गाइज, यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप योर ओन अप्रोच। आपका अप्रोच डेवलप होगा ही नहीं जब तक आप खुद से सॉल्व ना करोगे। सो इट इज बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ फर्स्टली, देन चेक द सोल्यूशन, अदरवाइज इट वॉन्ट हेल्प यू। एक्चुअली आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो सॉल्व करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52 एंड आशा स्कोर 64%, 52%, 64%। द मार्क्स ऑब्टेन बाई विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाई आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई रमेश। ओके, द मार्क्स ऑब्टेन बाई गीता हु स्कोर 84% इज, मतलब गीता 84% स्कोर किया, मतलब वी हैव टू फाइंड एक्चुअली द जो फाइनल एग्जामिनेशन का जो टोटल मार्क्स है वो फाइंड आउट कर लिए। सो यहाँ पे गीता का 84% उसका हम निकाल लेंगे। सो ये हमको अपना मोटो पता चल गया कि क्या फाइंड आउट करना है। अब देखो हमको टोटल मार्क्स तो नहीं दिया हुआ है कितना है, तो मैं जूम कर लेते हैं। लाइक टोटल मार्क्स 100x है, टोटल मार्क्स 100x है। विष्णु गॉट 52%, सो 52x। आशा गॉट 64%, दैट इज 64x। अब क्या बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय विष्णु इज 23 लेस कोमा एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय रमेश। अब देखो भाई, यहाँ वाला जो स्टेटमेंट है ना वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इसी टाइप के स्टेटमेंट आते रहते हैं क्वेश्चन में, और हम एग्जामिनेशन के टाइप में समझ नहीं पाते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये देन जो है ना वो कंपेयर हो रहा है। सो जो विष्णु विष्णु इज 23 लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश, और आशा जो है वो 34 मोर मार्क्स देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। तो ये आपको चीजें समझना है कि ये फिक्स है, मतलब रमेश से ही दोनों कंपेयर हो रहे हैं, विष्णु और आशा, क्योंकि दैन है यहाँ पे। सो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। तो लेट्स कि विष्णु का स्कोर जो है 23 लेस है रमेश से, कूल। आशा का स्कोर है जो 34 मोर है रमेश से, सो रमेश प्लस 34। अब देखो यहाँ पे बी और ए में रमेश के इसमें रिलेशन आ गया। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो टोटल मार्क्स हमको मिल जाएगा, फिर वहां से हम गीता का मार्क्स गेट आउट कर लेंगे जो 84% है। सो अब देखो क्या हमको एक्स का फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम रमेश को वन साइड लेकर ए और बी के टर्म में ले सकते हैं, तब जाके वो ए और बी का वैल्यू हम 58x और 64x रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इक्वेशन को ले हैं, सो रमेश इक्वल टू बी प्लस 23, यहाँ पे ले सो रमेश इक्वल टू ए प्लस 34। सो ये रमेश का मार्क्स है, तो ये जो इक्वल है सो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। वेरी सिंपल, मतलब कुछ ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है इसमें। तो ए प्लस 34, अब देखो बी और ए का हमको वैल्यू पता है एक्स के टर्म में, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सो 52x प्लस 23 इक्वल टू 64x प्लस 34। सॉल्व करते हैं, सो 52 2 1 12x इक्वल टू 4 7 3 2 5। सो यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 57/12, 12 से कट आउट नहीं होगा, सो 9, ओके 3 से ये हो जाएगा, सो 19 3 57 और 4 3 12, सो x का वैल्यू आया 19/4। तो टोटल मार्क्स वी अज्यूम 100x, सो टोटल मार्क्स हाउ मच, 100 × 90/4, 25 × 19, सो 25 × 400 होता है, सो
419, तो 400 400, तो 475, 475 होगा ना। मतलब इसे अगर ऐसे भी लो तो सर 25 × 20 कितना होगा, 500। लेकिन यहाँ पे 90 है, सो वन सब्ट्रैक्ट कर दिए 475। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो टोटल मार्क्स वी गॉट दैट इज 475, एंड वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाई गीता हु स्कोर 84%। सो देखो 84% ऑफ 475, 84% हमको फाइंड आउट करना है 475 का। सो देखो इतना अब हम नहीं करेंगे, ये ऐसे ऐसी चीजें। देखो 47.5, ये 10% हो जाएगा। हमको 84% फाइंड आउट करना है, सो 80% हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 8 8 × 5 0 40, सो 4 इन हैंड। 8 × 7 56, 56 + 4 60 0 6 कुल 8 4 जा 32, और 6 38। सो अब देखो 380 हो गया, 80%, 380। 84% कितना होगा, जो भी होगा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 417 तो होने वाला है नहीं, बहुत बड़ा वैल्यू है 380 से। 4% कितना होगा, लगभग 16 के 16 समथिंग आएगा, 16 या 18 के आसपास। सो 439 भी नहीं होगा, देखो 357 तो होने से रहा नहीं। सो ये हो जाएगा बी आंसर, इट इज 399। तो देखो यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने की उम्मीद नहीं थी, जब ऑप्शन मेरे पास है तो सिर्फ हम 80% फाइंड आउट कर लिए। ओके 388, मतलब 84% 388 के क्लोज होगा। सो 399 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू 380 का। तो ऑप्शन भी टिक किया, आगे बढ़ा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। सो मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। सो दिस इज अ 6 क्वेश्चन, एंड गाइज इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो ना, प्लीज डू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो नॉट चैनल सॉरी, एंड इफ पॉसिबल डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके सॉल्व करते हैं 6 क्वेश्चन। अ मैन बाई 35 kg ऑफ शुगर एंड एंड सेट अ मार्क प्राइज इन ऑर्डर टू मेक मेक अ 20% प्रॉफिट। ओके ही सेल 5 kg एट दिस प्राइज। तो देखो यहाँ पे 20% प्रॉफिट के लिए मार्क प्राइस किया है, इट मीन्स डेट वो कॉस्ट प्राइस पे 20% का इंक्रीमेंट करके मार्क प्राइस कर रहा है। तभी तो ये अजम्पशन किया ना कि इतने पे मैं बेचूंगा सो 20% का प्रॉफिट होगा मुझे। तो यहाँ से ये चीजें समझने की जरूरत थी। ही सेल 5 kg एट दिस प्राइस, ओके एंड 15 kg एट अ 10% डिस्काउंट। ओके मतलब मार्क प्राइस पे 10% मिले। कुल एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ शुगर इज वेस्टेड, ही सेल द रिमेनिंग शुगर बाई रेजिंग द मार्क प्राइस बाई पी परसेंटेज। ओके सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। ओके देन द पी, तो पी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखो मार्क मार्क प्राइस 20% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट। ओके 30, ओके कूल। सो लेट एज्यूम कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने 100 एज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पे 100x मैंने क्यों नहीं एज्यूम किया, सिंपली देखो क्या मैंने बताया था, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। ये केजी है तो जितना भी रहेगा वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना केजी में, ये तो सिंपल सा कुछ नहीं है, वो केजी का रोल है लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट ये सब चीजें हमको देखना होता है। सो सीपी हम 100 एज्यूम कर लेते हैं, सो मार्क प्राइस मेरा क्या होगा, 20% का इंक्रीमेंट, सो 120। क्योंकि वो बोला है ना मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट 20%, इट मीन्स डैट 20% इंक्रीमेंट करके वो मार्क प्राइस कर रहा है। ही सेल 5 kg, ओके सो 5 kg वो सेल कर रहा है एट दिस प्राइस, मतलब 120 पे ही। कितना उसको मिला, 600, और 600 प्राइस मिला फॉर सेलिंग 5 kg। एंड 15 kg एट अ 10% डिस्काउंट। अब देखो 120 पे 10% डिस्काउंट मीन्स 120 पे 12 का डिस्काउंट, सो 108।
120 का 10% इज 12, सो डिस्काउंट 12 हो गया, सो 108 में वो कर रहा है, सो कितना हुआ 15, 8 या 120 और 15। देखो इसका करने का कैलकुलेशन क्या होता है कि 15, 8 या 120 हो गया। अब यहाँ पे 100, जैसे ये लो 100 और 8, सो 15 इंटू 100 मेरा क्या हो गया 1500, और 15 इंटू 8 120, सो ये 1620। ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब टाइप मतलब 100 के क्लोजेस्ट कोई नंबर आया तो, या फिर 200 के क्लोज, ऐसे तो ऐसे करते हैं, तो ये हो गया 1620। अब क्या बोल रहा है, 3 kg वो वेस्ट हो गया, तो वेस्ट चला गया 3 kg। अब रिमेनिंग कितना बचा 15, 520, 323, टोटल है 35, सो रिमेनिंग इज 12 kg। अब 12 kg को ये बेच रहा है, लाइक ही सेल द रिमेनिंग शुगर बाई रेजिंग द मार्क प्राइस नेट इज 120 बाई पी परसेंट। अब पी परसेंट से वो मार्क प्राइस को रेज कर रहा है, इट मीन्स डेट वो कितने पे बेच रहा है, सो 120 इंटू 100 प्लस पी बाई 100। देखो ये चीज अगर आपको समझ में नहीं है ये भी, तो सो मैं इधर बता देता हूँ। जैसे पी परसेंट का इंक्रीमेंट कर रहा है, सो 120 इतना तो मार्क प्राइस था, अब इस पे पी परसेंट का इंक्रीमेंट, इट मीन्स डेट 120 का पी परसेंट, अगर मैं 120 यहाँ से कॉमन ले लूँ, सो 1 प्लस पी बाई 100, सो 100 प्लस पी बाई 100, ये हो गया। और ये मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि जैसे हमने प्रीवियस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लो कि 20% इंक्रीमेंट, सो ये 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, सो इंक्रीमेंट है तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली इसको ऐड करते हैं ना, सो 5, 6/5। और ये भी जो है ना 5, 6/5 वो ऐसे ही आता है, तो मैं समझाने के लिए एक समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि 100 पे 20% का इंक्रीमेंट है, सो 100 प्लस 100 का 20%। ये बहुत बेसिक है, जो मतलब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, रिपीटर लोग को तो पता ही होगा। सो ये 100 कॉमन हो गया, ये 100 100 से मैंने कैंसिल कर दिया, कोई नहीं। सो ये 100, जैसे उस चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सो ये 100 हो गया ना, सो 100 कॉमन, 1 प्लस 20 बाई 100, सो ये हो गया 5। तो देखो 1 प्लस 1/5 डेट इज 6/5, इसका 6/5 इंटू 100, 6/5 इंटू 100, यही चीज़ तो हम लोग करते हैं ना, इंक्रीमेंट हुआ तो यही है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वन सेकेंड, अब देखो यहाँ पे 12 kg का सेलिंग प्राइस इतना है। अब क्या बोल रहा है कि वो ओवरऑल 15% का, सॉरी 15% का प्रॉफिट कर रहा है, इट मीन्स डैट। अब प्रॉफिट तो हमको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और 15% का प्रॉफिट, इट मीन्स डैट सीपी इंटू, अब 15% का फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/20 ना 15% का, सो प्रॉफिट हो रहा है, सो इंक्रीमेंट होगा, सो सीपी इंटू 23/20 इक्वल टू एसपी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसे 15% 15% का प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है। जैसे मान लो कि एक मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, कि जैसे मान लो कि सेलिंग प्राइस, जैसे कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस 112 है और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस्ट प्राइस 10% का प्रॉफिट मतलब 11/10 इक्वल टू 110, सो ये होगा 10, तो सीपी इक्वल टू 100। अब देखो 100 पे 10% का प्रॉफिट मतलब 10 ही होगा, सो सेलिंग प्राइस तो हम ऐड कर, सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 प्लस 10, 110, सो ये ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं।
इतना हम चीजें नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं। सो अब देखो सीपी हमको फाइंड आउट करना है। नहीं सीपी हमने तो एज्यूम किया है ना 100x, 100 सॉरी, तो टोटल सीपी कितना है 35 × 100। सो 35 × 100 × 23/20 एसपी टोटल। देखो एसपी 5 kg पे इतना, 15 kg पे इतना और 12 kg पे इतना, वैसे इसको ऐड कर लेते हैं। सो 0 2 2 2 प्लस यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 12 × 12 144 × 100 + p / 10। यहाँ और सब ट्रैक कर सकते हैं हम, यहाँ पे 72/5। यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 175। सो 175 × 23 = 2 2 2 0 + 72 100 + p/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 175 × 23 5 15 17 21 2 2 3 4 5 5 10 1 7 14 1 2 8 3 सो 5 2 5 5 0 4 0 2 5 है, कुछ गलत हुआ? पंद्रह 1 21 22 3 2 5 ठीक है, 1 2 10 1 7 14 15 1 2 8 3 सही तो है, 4 0 2 5 ओके। सो ये हुआ 4 0 2 5 = सो यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। सो 0 5 2 10 1 सेकेंड 0 0 11 11 10 11 0 10 15 15 ठीक है, प्लस 7 2 00 + p/5। सो 2 0 1 2 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20,000 और 5 × 5 125। सो ये हो गया 0 0 7 3 8 1 प्लस 72 p, यहाँ पे 72 मिस किया मैंने, तो 72 p। सो यहाँ से गाइज हम लोग p का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो कितना हो जाएगा, 5 2 5 2 और 11 है, सो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 8 2 5 / 72। सो अब कितना होगा यहाँ पे, कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ मैं, 1 8 2 5 / 72 दैट इज 25.34, 25.34 आया ऑप्शन। सो वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट, सो नियरेस्ट वैल्यू इज 25 दैट इज ऑप्शन बी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन कॉन्सेप्ट भी कुछ ज्यादा नहीं थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं एंड गाइज प्लीज सॉल्व करो खुद से पहले फिर सॉल्यूशन देखो। दिस इज अ रिक्वेस्ट, अरुण बॉट सम पेंसिल एंड शार्पनर, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण, आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स एंड 10 less sharpeners। ओके इफ द कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज 2 more than द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ओके कॉस्ट का रिलेशन उनको दिया है यहाँ पे। सो मिनिमम पॉसिबल नंबर पेंसिल
बॉट बाय द अरुण एंड आदित्य टूगेदर। कूल, मतलब मिनिमम पॉसिबल नंबर। ओके, मतलब इक्वेशन आएगा जो सॉल्व नहीं होने होने वाला होगा, सो वहां से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है मिनिमम वन। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रिलेशन दिया है, सो लेट्स एज्यूम कि कॉस्ट प्राइस जो पेंसिल का है वो हमने ए एज्यूम कर लिया। सो कॉस्ट प्राइस शार्पनर का हो जाएगा ए प्लस टू, दैट इज टू मोर। देखो अरुण और यहाँ पे है आदित्य, पेंसिल शार्प। सो अब क्या बोल रहा है कि अरुण बट सम पेंसिल शार्पनर स्पेंडिंग सेम अमाउंट। ओके, आदित्य बट ट्वाइस इज पेंसिल। ओके, सो लेट सपोज कि अरुण बट एक्स अमाउंट ऑफ पेंसिल एंड वाई अमाउंट ऑफ शार्पनर। सो आदित्य बॉट ट्वाइस एज मैनी पेंसिल, सो ट्वाइस पेंसिल खरीद कर रहा एज अरुण। सो यहाँ पे आदित्य 2x पेंसिल और 10 लेस शार्पनर, सो वाई माइनस 10। अब क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दोनों सेम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी। सो अरुण बॉट एक्स अमाउंट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज ए। सो अरुण पे फॉर एक्स अमाउंट ऑफ पेंसिल इज ए एक्स। ए एक्स टोटल रुपए पे कर रहा है अरुण पेंसिल के लिए, एंड शार्पनर के लिए वो ए प्लस टू, इट मीन्स दैट टू ए प्लस टू वाई पे कर रहा है अरुण। सेम आदित्य के लिए ए मतलब टू ए एक्स पे कर रहा है, और ये 10 है ना, ये सॉरी है ना। सो ए प्लस टू, सो ये ए वाई माइनस 10 ए माइनस 2 वाई प्लस 20। इतना अमाउंट आदित्य ने शॉर्पनर के लिए पे किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अरुण और आदित्य सेम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ए एक्स प्लस 2 ए प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2 ए एक्स प्लस ए वाई माइनस 10 ए माइनस 2 वाई प्लस 20। कुछ कटआउट हो रहा है, सो कुछ कैंसिल आउट हो गए। 2 वाई यहाँ पे माइनस है क्या, ये प्लस है। ओके, सो ये नहीं होगा, तो कहीं गलत किया है क्या कुछ। 2 ax यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, ए वाई भी कैंसिल नहीं होगा। सो 2 ax ए वाई माइनस 10 ए एंड अच्छा ये प्लस है ना यार, प्लस है ना, ये प्लस हो जाएगा ना 2 वाई प्लस सॉरी माइनस 20 होगा ना ये। सो ये प्लस माइनस, तो ये 2 वाई गेट कैंसिल। ए 2 ax में से ए एक्स सब्ट्रैक्ट किया, सो ए एक्स 2 ए माइनस 10 ए, तो ये हो जाएगा माइनस 8 ए प्लस ए वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से ए एक्स ए वाई 20 एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल पेंसिल, मतलब एक्स का हमको मिनिमम पॉसिबल, सॉरी व्हाट हैपेंड, ओके एक्स का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ आई थिंक गलत हो रहा है यार।
तभी तो, क्योंकि तीन रिलेशन आ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? इसी दो में रिलेशन आएगा तभी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ई ए प्लस टू ओके, पी ए ओके, बी ए प्लस टू। सो अरे यार यहाँ गलत है ना, यहाँ पे ये ए वाई प्लस टू वाई होगा यहाँ पे, ए वाई प्लस टू वाई। सो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू वाई ओके। सो ए वाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं। सो ये ए एक्स टू एक्स सब्सट्रैक्ट, सो ए एक्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया माइनस 10 ए माइनस 20, यहाँ पे ये 0। देखो दो में रिलेशन आ गया ना, वही तो मैं बोलूँ ना कि दो में रिलेशन आएगा तभी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ए कॉमन ले लेते हैं। सो ए एक्स माइनस 10 इक्वल टू 20। सो ये देखो ये यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, एक्स का, एक्स अमाउंट है ना। सो एक्स का हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी तो ये आदित्य ने जो 2x बॉट किया और अरुण ने x बॉट किया, वो दोनों का एडिशन तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। सो अब देखो यहाँ पे समझने की नीड ये है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अब देखो सेंस ये है कि ए तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, एक्स भी निगेटिव हो सकता है, मतलब ये पूरा जो टर्म है वो निगेटिव नहीं हो सकता। अब एक्स का वैल्यू हमको मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो मिनिमम हम क्या रख सकते हैं एक्स का वैल्यू, क्योंकि ये जो ये टर्म है वो एक्स माइनस 10 है। सो एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 10 से तो बड़ा ही होगा ना, मतलब एक्स का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन 10 होगा, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 × 10 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना। सो ये इक्वेट नहीं होगा। सो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। सो ग्रेटर देन 0 में अब इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 11। सो एक्स का मिनिमम वैल्यू हम 11 रख सकते हैं। सो एक्स इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 11, एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पेंसिल बॉट बाय अरुण आदित्य टुगेदर। सो अरुण बॉट एक्स एंड आदित्य बॉट 2x, सो दैट इज 3x। सो एक्स का मिनिमम वैल्यू 11, सो दैट इज 33। सो ऑप्शन सी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ था, बट कोई बात नहीं, होता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो ना, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट लाइक वट यू फील अबाउट द वीडियो, वेर आई कैन मेक इम्प्रूवमेंट, समथिंग यू नीड एल्स। सो प्लीज डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 2020 का परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का, सॉरी 2021 का परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का डिस्कशन करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।